नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल गंगवार अदबी कॉकटेल की इस एक बिल्कुल ही ताजा तरीन महफिल में आपका स्वागत अभिनंदन करता हूँ, जिसे हमने नाम दिया है दिल ढूंढता है। एक वक्त था हम कहते थे दिल ढूंढता है, फिर वही फुर्सत के रात दिन। और अब विश्व में एक ऐसी महामारी ने एक अपना प्रकोप फैलाया है कि अब फुर्सत के रात दिन इतने देख लिए हैं और अब हम सोचते हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही काम के दिन, बैठे दोस्तों से मिले, बातें करें, महफिलें सजें। हमारे साथ इस महफिल में दिल ढूंढता है मेरे साथ रहने वाली है गीता दास जी। गीता जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ये लॉकडाउन में इस तरीके के माहौल में जो ये मौका है कि एक दूसरे से बात करें, संपर्क में आए और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें और सब लोगों जी बिल्कुल गीता जी, और मैं अपने दर्शकों से गीता जी का परिचय भी कराना चाहूंगा। गीता जी एक रेनाउंड पेंटर हैं और बहुत बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस की हैं, कला साहित्य में उनकी बहुत रुचि है। और स्वर्गीय निदा फाजली साहब की एक म्यूजिक एल्बम थी, उनकी पोएट्री को उन्होंने कैनवस पर उतारा था अपने थॉट्स के साथ। तो गीता जी हमारे साथ हैं और हमारे आज के मेहमान खास से भी मैं गीता जी परिचय कराना चाहता हूँ कि जो जिनके लिए ये महफिल है, जिनकी वजह से ये महफिल है। हमारे साथ घनश्याम वासवानी जी हैं। घनश्याम जी, आपका स्वागत है। नमस्ते जी, आदाब। घनश्याम जी को का परिचय कराना सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। एक लंबा दौर घनश्याम जी का म्यूजिक के क्षेत्र में रहा है। आप बहुत अच्छे गायक हैं और आप बहुत अच्छे म्यूजिक कंपोजर हैं, और आपने आप उन चंद खुशनसीब लोगों में से हैं जिनको हम ये कह सकते हैं इंडस्ट्री में जगजीत सिंह जी की डिस्कवरी है। और जगजीत सिंह जी ने आपको इतना मान दिया, आपको प्रमोट किया और आपके म्यूजिक डायरेक्शन में गाया भी। तो एक एक लंबा दौर है। तो घनश्याम जी हमारे साथ हैं। घनश्याम जी, मैं चाहता हूं कि एक अजीब सा दौर है, शायद हमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा कि हम इस तरीके का भी कभी जीवन बिताएंगे। हम एक फ्लैट में, एक कमरे में, एक घर में एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, महीनों महीनों गुजारने पड़ेंगे हमें। और ऐसे दौर में जब हम देखते हैं अपने आसपास, तो एक अजीब सा सन्नाटा, एक अजीब सी खामोशी दिखाई देती है और कहीं ना कहीं वो लोगों के मन में है। और आप क्योंकि कला के क्षेत्र से हैं और आपको बहुत लोगों से मिलना जुलना होता रहा, ये जीवन कैसा बदला, वो में कैसे आप जुड़े हुए हैं, कैसे कोप अप कर रहे हैं? ये बड़ा एक मुश्किल दौर है और कलाकारों के लिए तो बहुत ही मुश्किल, क्योंकि अक्सर कलाकार जो व्यवसाय है वो ऑडियंसेस के सामने है और ऑडियंस होनी चाहिए, या अगर कोई फिल्म का गाना गाते हैं तो फिल्म रिलीज हो, बने तो गाने रिलीज होते हैं, तब जाके कलाकार सामने आता है। और है बड़ा मुश्किल, और घर में बैठे बैठे कई बार ऐसे भी हुआ है, हमने भी कई बार अपने जीवन में 6-6 महीने 8-8 महीने लॉकडाउन देखा है कि भाई हम इंतजार करते हैं कि भाई कोई फोन की घंटी बजेगी या कोई प्रोग्राम की इंक्वायरी होगी या कोई रिकॉर्डिंग होगी। ऐसा दौर भी देखा है हमने, हमें तो आदत है, हम फिर बैठ के घर में अपना रियाज करते हैं और कुछ जैसे जैसे जो अपने अपने अपना अपना शौक है, जैसे मुझे शायरी का शौक है, कुछ गजलों का इंतखाब होता है, नई नई गजलें होती हैं, शायरों से बातचीत होती है और कंपोज करने की कोशिश करते हैं और अपने रियाज में लगे रहते हैं। हमको तो वैसे हम आदि है लॉकडाउन के है बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल दौर है। मेरे मन में एक बात आई, मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको जो ये गायकी का शौक हुआ या शेर व शायरी का, ये आपकी याददाश्त में कब से शुरू? बचपन से शौक है, घर में माहौल था, मेरे पापा सिंधी सूफी म्यूजिक बहुत अच्छा गाया करते थे, उनका सुर भी बहुत अच्छा था, अंदाज भी बहुत अच्छा था और आवाज भी बड़ी अच्छी थी। वैसे वो पेशे से तो ही वाज अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ही वाज अ सुपरिंटेंडेंट, लेकिन शौकिया तौर पे गाया करते थे। और तो जैसे सूफियाना चौकी होती है तो बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं और वो कानों में वो रस पड़ा हमारे,
बस उसके बाद फिर जैसे जैसे होता है, कॉलेज में गा लिया, स्कूल में गा लिया, कॉलेज कैंटीन्स में गाया, कॉलेज डे पे गाया, फिर अच्छे दोस्त मिले जैसे, और कॉलेज में मेरे साथ हरिहरन, हम साहब साथ में पढ़े हुए हैं, अक्सर हम साथ स्टेज पे गाते थे। हाँ तो हरी हमेशा कहता था भाई आ जाओ म्यूजिक में। मैंने बोला डैडी रिटायर हुए हैं अभी, मुझे तो काम करना है, मैं म्यूजिक करके क्या करूंगा, वो बड़ा मुश्किल है ये काम, तो इसको जी अल्टीमेटली म्यूजिक में ही पहुंचे ना। जी 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 तो शौक ऐसा है ना, और फिर ऊपर वाला जैसे रास्ता बनाता है तो रास्ते भी वैसे ही बन जाते हैं। आई थिंक इट्स ऑल डेस्टिनी आल्सो। तो एंड वी मी एंड हरिहरन वी जॉइंड गवर्नमेंट लॉ कॉलेज जस्ट बिकॉज ऑफ अ गुड म्यूजिक सर्कल देयर। इस बहाने हमारा लॉ की ग्रेजुएशन भी हो गई हम दोनों की, और वहाँ म्यूजिक सर्कल अच्छा था, तो एक इंटर कॉलेजिएट कॉम्पिटिशन में मैंने पार्टिसिपेट किया था, उसमें जगजीत जी, नौशाद साहब और जानी बाबू कवाल साहब ये जजेस थे। तो जगजीत जी ने मुझे पहली बार वहां सुना, तो मैंने मेहदी साहब की गजल गाई थी एक, और तो उन्होंने फिर कहा कि भाई तुम करते क्या हो। मैंने बोला मैं सुबह कॉलेज अटेंड करता हूँ, दिन में अपने अंकल्स के साथ बिजनेस है, कपड़े का काम है, तो फिर तुम म्यूजिक में आ जाओ। मैंने बोला मेरे से तो हिम्मत नहीं होगी, डैडी रिटायर हुए, घर भी चलाना है। बोला नहीं तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ और मैं अभी नया रिकॉर्ड प्लान कर रहा हूँ, तो तुम मुझसे जरूर मिलना। और बस फिर आफ्टर दैट आई एम ऑल द टाइम इन म्यूजिक, और थैंक्स टू जगजीत जी, तो जो अच्छा। पहला एल्बम रिलीज हुआ टैलेंट ऑफ 80s। हाँ जी। अच्छा एक चीज है कि जैसे आप गजल गजल में सिंगिंग में है, तो कॉलेज के दौर से भी आप गजल में ही आपका शौक था, या उस समय कुछ और अंदाज के गाने भी, क्योंकि आप युवा थे, और मैंने देखा कि जो सिंगर्स होते हैं कॉलेज में देखने भी में माशाल्लाह अच्छे हैं आप, और उस जमाने में तो और ही जलवा होगा, तो क्या सिनेमा का गाना आपको ज्यादा पसंद था या? वैसे फिल्म म्यूजिक का ज्यादा था, फिल्मी गाने हम याद करके गाया करते थे, रफी साहब के गीत हैं, उन दिनों रफी साहब वॉज वेरी पॉपुलर, और मन्ना डे साहब, उनकी जो चीजें हैं लागा चुनरी में दाल या सुर ना सजे गाँव में, ऐसे ऐसे गीत सुनते सुनते फिर कॉलेज कैंटीन्स में दोस्तों ने भी बहुत यानी दे इंस्पायर्ड अस टू सिंग, एंड बस शौक वैसे हुआ। लेकिन फिर उन दौर उस उसी दौरान किसी ने मुझे खयाम साहब का कंपोज किया हुआ एक एल्बम आया था, बेगम बेगम अख्तर साहिबा का, जिसमें उन्होंने कंपोज किया था, और गजलें थी बहुत अच्छी, उमदा 8 गजलें, शकील साहब की गजल और मीर तकी मीर की, और बहुत सारी अच्छी अच्छी गजलें, तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय हर परफॉर्मेंस। तो मैं, और उन दिनों रिकॉर्ड्स होते थे, LP रिकॉर्ड होते थे, तो कई जो दोस्त जिनके पास प्लेयर होता था हम जाके वहां सुनना करते थे। और उसी दौरान उन दिनों मेहदी साहब बॉम्बे आए हुए थे और बड़ा हंगामा था, तो उनका भी एक सोलो एल्बम आया था जिसमें सब गजलें थी, ये धुआं कहाँ से उठता है, या गुलों में रंग भरे बादनों बहार चले, या कैसे छुपाऊं राज़े गम दीदा है तेरे को क्या करूं, ऐसे बहुत सारी खूबसूरत गजलें थी। तो शौक वहीं से शुरू हुआ, फिर गजलें सुनी, और आप माने ना माने, बिफोर आई मेट जगजीत जी आई हैड नेवर हर्ड जगजीत जी। क्या बात। और जब मैंने उनका उस उनके मिलने के बाद मैंने उनका पहला कंसर्ट जब बॉम्बे में सुना, आई वॉज जस्ट आई बिकम अ वेरी बिग फैन ऑफ हिज, और खास करके उन्होंने गजल गाई थी तू जो आ जाए तो इस घर को संवरता देखूं, दुर्गा में थी, इतनी खूबसूरत अदायगी थी, आई बिकेम अ बिग फैन ऑफ हिज। बस उसके बाद फिर गजलों में ही रहा। नहीं मैं थोड़ा सा इसलिए क्योंकि हमने कॉलेज की बात की है, तो उस दौर में चाहे आपने जैसे आप मोहम्मद रफी जी का जिक्र किया आपने, तो कौन सा अच्छा गीत आपको लगता था अगर गुनगुनाएंगे तो एक थोड़ी सी मोहम्मद रफी जी की भी याद ताजा होगी, या मन्ना डे, जिसका भी आप सुनाना चाहें, जो आपका फेवरेट उस समय। अच्छा तेरे नाम का दीवाना,
तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, जिस नजर पे दिल फिदा है उस नजर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को बहुत सुंदर। और ये जब सफर ये शुरू हुआ और आपकी जगजीत सिंह जी से मुलाकात हो गई, फिर आपने उन्हें सुन भी लिया, तो नॉर्मली क्या होता है कि इंडस्ट्री में लोगों के साथ ये वाकयात होते हैं कि भाई कोई आया प्रभावित हुआ और उसके बाद फिर उनको ढूंढने में मेहनत करनी पड़ती है, उनसे मिलने में मेहनत करनी पड़ती है, वो कि रात गई बात गई जैसी बात होती है। आपके साथ क्या हुआ, ऐसा कुछ हुआ या सब वैसा ही हुआ जैसे? नहीं, मेरे मुझे तो जगजीत जी का बहुत सपोर्ट रहा, और मैं वैसे भी अगर किसी से जुड़ता हूँ तो फिर पीछा नहीं छोड़ता किसी का भी। जैसे अतुल जी को भी पकड़ा है तो अभी तक 30 साल से जुड़े हुए हम। जगजीत जी जब पहला गाना पहली गजल मेरी रिकॉर्ड हुई तो उन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग दी, कैसेट रिलीज हुई थी उन दोनों, कैसेट का जमाना था, मुझे कहा अभी ये कैसेट लेके जाके तुम म्यूजिक डायरेक्टर से मिलो, जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं। फिर मैंने वो डायरेक्टरी ली और उसमें एड्रेसेस वगैरह देखी, और मैं सबसे पहले मैं गया मानस दा के पास, मानस मुखर्जी साहब के पास। जी 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 तो जो शान के पापा प्लेबैक सिंगर शान है उनके घर गया, तो उनको मैंने ये कैसेट सुनाई, उनको इतनी पसंद आई उन्होंने फिर इमिजिएटली मुझे घर अंदर बुलाया, सुनने के बाद बाजा निकाला, कहा भाई मैं कुछ तुम्हें याद कराता हूँ, तुम गाने की कोशिश करो। तो मैंने वो जो उन्होंने कहा मैंने गा लिया, और वो फिर कह रहे थे भाई आज सोमवार है तुम बुधवार को क्या कर रहे हो, मैंने बोला जैसे आप कहें, बुधवार को हम ये गाना रिकॉर्ड करेंगे फिल्म के लिए। तो बॉम्बे लैब में रिकॉर्डिंग हुई और फिल्म थी बंदा नवाज और अयाज झासवी साहब की गजल थी। तो शुरुआत ऐसे हुई और जैसे जैसे मैं म्यूजिक डायरेक्टर से मिलता रहा और जिन जिन से मैं मिला सब ने मुझे मौका दिया, चाहे वो रविंद्र जैन साहब थे या जयदेव जी थे, और जयदेव जी, रविंद्र जैन जी, राजकमल जी, और जगजीत जी ने भी गवाया फिल्म में, मानस दा ने गवाया, तो ऐसे कोई दिक्कत हुई नहीं। और फिर मैं मिलता रहा और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के सिटिंग रूम में भी जाता रहा, और उधर भी एक गाना रिकॉर्ड होते होते रह गया फॉर सम अदर रीजन, तो कोई ऐसे कोई दिक्कत हुई नहीं। सिर्फ इतना था कि हर आर्टिस्ट का एक रेंज होता है वॉइस का, और मेरी थोड़ी मंद्र सप्तक की तरफ ज्यादा है आवाज, ऊपर की तरफ मैं कम गाता हूँ। तो उन दिनों फिल्म का जो ज्यादातर अगर आप देखेंगे फिल्मों में जो चलन होता है वो सब ऊपर की तरफ चीजें हैं, गाने भी ऊपर ऊपर की तरफ बनते हैं, तो इसी वजह से मेरे हिस्से में चीजें कम आई। और फिर जब गजल आया तो वो तो फिर अपनी टेरिटरी हम जो करें कर सकते हैं। हाँ, और जैसे अभी राम लक्ष्मण जी का भी अब मैं जिक्र करना चाहूंगा, उन्होंने भी गवाया मुझे, तो जिन जिन के पास मैं गया सब ने मुझे फिल्मों में गवाया। आपका पहला गीत कौन सा रिकॉर्ड हुआ जो जगजीत सिंह जी ने जो किया था आपका? एक फिल्म आई थी ए मेरे दिल, विक्रम और वाज द हीरो, जूली के जो हीरो थे ना। जी जी बिल्कुल ध्यान आ गया। जी जी, और डॉक्टर राही मासूम रजा साहब की फिल्म थी, और लाहिरी साहब थे डायरेक्टर, उसमें मैंने एक ड्यूट गाया था और वो भी चित्रा जी के साथ, वो मेरा पहला फिल्म का गाना हुआ था। अरे वाह, आपको याद है? हम यादें ताजा कर सकते हैं अगर आप गुनगुनाएं, अगर वो आपको ध्यान है। जी मैं कोशिश करता हूँ, गिव मी अ मोमेंट।
मुखड़ा सुना देता हूँ आपको। जी बिल्कुल, बहुत बेहतर। रंगों का रास्ता, चंदन का जंगल, मस्ती की बारिश, जुल्फों का बादल। रंगों का रास्ता, चंदन का जंगल, मस्ती की बारिश, जुल्फों का बादल। गीत ऐसा था, बड़ा पॉपुलर हुआ। तो आज जो वक्त है, आपने भी जैसा कहा कि वैसे तो एक कलाकार की जिंदगी में उतार चढ़ाव आते ही हैं और बहुत सारी चीजों को हमें आदत होती है फेस करने की, लेकिन वो जो चीजें उतार चढ़ाव आते हैं वो अपने वक्त के हिसाब से आते हैं। ये थोपा हुआ ऐसा लगता है, ये एक बंदिश सी लगती है, क्योंकि ये आपने और मैंने तय नहीं किया है, ये हम पर ऊपर वाले की कर्म से या उनकी मेहरबानी से आया जाए या हमारी गलतियों से हमारे ऊपर है। ऐसे वक्त में जो एक सकारात्मकता होनी चाहिए सोसाइटी में, किस तरीके से लोगों को लगना चाहिए कि हाँ कुछ पॉजिटिवनेस है, और गजलों और शायरी के माध्यम से लोग, आपने भी इस तरीके के गानों को कभी चुनाव किया होगा कि अगर आप देखें, तो ऐसा कुछ हमें बताएं कि जिससे एक पॉजिटिवनेस सोसाइटी में रहे। आप ऐसे अपने फैंस को और अपने लोगों को क्या कहेंगे? मैं वैसे बड़ा खुशकिस्मत रहा वैसे, और फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा रहा कि कभी दिक्कत हुई नहीं, अपना घर है और जैसे स्ट्रगल करते हैं लोग वैसा ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ, और पेरेंट्स का सपोर्ट रहा, फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरी मिसेस का सपोर्ट रहा, ऐसे किसी भी ढंग से कोई भी तकलीफ नहीं हुई। और कैन यू बिलीव इट, और मैंने एक अंकुश फिल्म में एक प्रार्थना भजन गाया था, आप सबने सुना होगा, इतनी शक्ति हमें देना दाता। क्या बात कर रहे हैं आप। हाँ, वो मैंने गाया हुआ है। तो अंकुश फिल्म में पूरा प्लेबैक, चार दोस्तों की कहानी थी, तो हम चार आवाजें थी। जी जी, मैंने, अशोक खोसला साहब, मुरली जी, शेखर जी, हम सब ने मिलके फिल्म के पूरे गाने गाए थे। तो उसमें एक जो प्रार्थना स्वरूप भजन है वो तो बहुत सुपर हिट हुआ, और बहुत प्रेरणादायक भजन है वो। भजन भी नहीं कहूंगा, एक प्रार्थना है। There is no, इस एकदम जनरल है, इट्स नॉट एनी पर्टिकुलर रिलीजन और क्या कहते हैं, इट्स अ वेरी जनरल पोएट्री। एंड अगर आप कहें तो मैं थोड़ा गुनगुना देता हूँ। और ये इस थैंक्स टू कुलदीप सिंह साहब, इन्होंने भी मुझे बहुत गवाया, आई मिस्ड आउट हिज नेम। कुलदीप साहब ने मुझे नॉट ओनली फिल्म्स, मुझे जिंगल्स गवाए, मुझे टीवी सीरियल के टाइटल गवाए, और कुछ उन दिनों में कुछ काम ऐसा चलता था, साउथ की फिल्में डब होती थी हिंदी में, तो उसके गाने भी मैंने बहुत गाए। तो ये था इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे उनसे भूल कर कोई भूल होना, हम चले नेक रस्ते पे उनसे भूल कर कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है
बेबसी है, सहमा सहमा सहर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता से तूने का दे, तेरी रचना कहीं हम चले नेक रास्ते पे उनसे भूल कर भी कोई भूल हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अल्प, फूल खुशियों के बातें सभी ने, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहाके कर दे पावन हर एक मन का खोना, हम चले नेक रास्ते पे उनसे इतनी शक्ति हमें देना, मन का विश्वास कमजोर बहुत ऊपर आलम ही बदल दिया बहुत क्या बात है। मतलब ये कहना चाहती हूँ स्पेशली गंजाम जी से कि क्वांटिटी की बात कभी है क्वालिटी की बात, बहुत गाने ना मिले हो आपके हिसाब से पर हमारे लिए आपका जो भी गाया हुआ है वो खजाना है, बहुत जबरदस्त क्वालिटी। बहुत बहुत शुक्रिया। जिस दौर में आप गजल गायकी में आए थे उसमें एक बड़ा नाम चलता था पंकज उधास जी का, और उनकी गजलें एक समय में एक दौर ऐसा था कि हर हर जगह मतलब घरेलू महफिलों से लेकर और बाजार तक में काफी पॉपुलर थे वो, मतलब वो मासेस के वो कैटर करते थे, तो उस दौर में कभी आपने उस तरीके की गजल गायकी सोची या आपने अपना अपनी गजलों का चयन कैसे किया, आपने अपना जिंदगी का रास्ता कैसे बनाया? उनमें भी कुछ गजलें, उन्होंने भी बहुत कुछ शायरी बहुत अच्छी थी, अनवर फरुखाबादी साहब की थी और एक दूसरी भी थी जलील मानिकपुरी साहब की गजल गाते थे वो, बादशाही की न टाली जाएगी करके तौबा तोड़ डाली जाएगी, है ना, तो कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी थी। और वो दौर ऐसा था कमर्शली जब आर्टिस्ट परफॉर्म करता है तो सोचता है हम ऑडियंस के साथ कैसे जुड़े, तो वैसे मेरे ख्याल से अच्छी शायरी हर माहौल में चलती है, तो ये मैंने देखा। फिर पंकज जी ने भी बहुत अच्छी अच्छी गजलें गाई हैं, दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी अब याद आया, और जगजीत जी ने भी खूबसूरत गजलें गाई और उनसे बड़े हम यू नो वी इंस्पायर्ड कि भाई गुड पोएट्री ऑलवेज सेल्स, एक अच्छी शायरी हो। तो एक वैसे एक गजल मेरी नजर में आई थी गजल पे ही सभी शायरों पे, मैं थोड़ा आपको तहत में ही सुना देता हूँ कि मैं वली के घर से निकलकर रवां दवां है गजल, वली के घर से निकलकर रवां दवां है गजल, कसम गजल की अभी तक भी नौजवान है गजल। तो ऐसी बहुत बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें ये बहुत 8-10 शेर है इस गजल में जिसमें उन्होंने मीर साहब का भी जिक्र किया है, गालिब साहब का भी जिक्र किया है, जिगर मुरादाबादी साहब का किया है, दाग साहब का किया है, और बहुत अच्छा लगता है जब अच्छी शायरी अप्रिशिएट होती है। हमारी कोशिश यही रहती है कि पोइट्री अच्छी हो, तो जी दिल से गाते हैं आप, बहुत अच्छा लगता है।
इसी में जो जब आपका जगजीत सिंह और आपका ये वाला सफर शुरू हुआ और आपने आपने कहा कि जैसे आप बड़े इंस्पायर्ड भी थे और जगजीत सिंह जी को, तो आपने जो जगजीत सिंह के म्यूजिक डायरेक्शन में जो गाया, जो उन्होंने आपसे गवाया, वो कुछ अगर हमें सुनाए क्या था और वो कोई वाक्या उसका। हाँ जी, वो एक पहले उन्होंने एल्बम में मुझे गवाया था, दो वर्ने गवाई थी टैलेंट ऑफ 80s। उसके बाद जगजीत साहब ने मेरे लिए एक पूरा एल्बम कंपोज किया, फुल पूरी गजलें थी, उसमें से एक निदा साहब की गजल बहुत पॉपुलर हुई जी। अरे वाह, तो आपने भी सुनी होगी वो, और हर कंसर्ट में मुझे इसकी फरमाइश आती है, ये आई एम लकी कि ये गजल मेरे नाम से अभी चिपक गई है तो एक अपनी पहचान बन जाती है इस चीज से। इजाजत सर, ये गजल दो शेर आपको सुना देती हूँ। उसके दुश्मन आदमी अच्छा होगा, उसके दुश्मन बहुत आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी तरह शहर में, वो भी मेरी तरह शहर में तन्हा होगा, उसके दुश्मन बहुत आदमी अच्छा इतना सच बोल के होठों का तबसुम न बुझे, इतना सच बोल के होठों का तबसुम न बुझे, रोशनी आगे अंधेरा रोशनी, आगे अंधेरा एक शेर अर्ज कर रहा हूं जो रिकॉर्ड में नहीं है। एक महफिल में, एक महफिल में कई महफिल होती है शरीक, एक महफिल में कई महफिले होती है शरीक, जिसको भी पास से देखोगे, जिसको भी पास से देखोगे अकेला, उसके दुश्मन बहुत आदमी अच्छा होगा,
शहर में उसके बहुत आदमी अच्छा आदमी अच्छा बहुत खूब मतलब जितने अच्छे शब्द हैं उतने ही अच्छा अंदाज़े बयां भी है मतलब बहुत बहुत शुक्रिया जयती जी की कंपोजिशन है। आपने जो एल्बम उनके साथ बनाई उसके बारे में बताइए कि कब ये थॉट आया कि वो आपके लिए गाएं आप कंपोज करें और गाएं। मैं लगातार फॉर एटलीस्ट 30-35 इयर्स उनसे जुड़ा रहा और जब भी जगजीत जी ज्यादातर तो कंसर्ट्स में बिजी रहते थे लेकिन जब भी बॉम्बे में होते थे तो मैं उनके यहाँ अक्सर जाया करता था रियाज के लिए। सुबह 10 बजे पहुंच जाता था और 2 बजे तक उनके साथ हमेशा मैं रहता था। तो इस बीच में मुझे कहते थे कि भाई आप गजलें कंपोज करो कोशिश करो कंपोज करने की। तो मैं इस मुझे शौक भी था कंपोज करने का। एक रोज मैंने उनको 2-4 चीजें अपनी सुनाई। कुछ तो उनकी गाई हुई गजलें थी जो मैंने अलग तर्ज बना के उनको ही सुना दी। तो बोले अच्छा है वेरी गुड। ऐसे इसी बहाने रियाज भी होता है प्रैक्टिस भी होता है। फिर 2002 में उन्होंने मुझे 8 गजलें दी। मैं जब उनके घर गया तो मुझे कहते हैं इसको कंपोज करो। ये कुंवर महेंद्र सिंह बेदी साहब सहर इनकी गजलें थी जिनकी गजल बड़ी मशहूर हुई थी आए हैं समझाने लोग है कितने दीवाने लोग। तो ये तो उन्होंने 8 गजलें दी। तो मैंने कहा मैं उनकी शक्ल उनकी तरफ देखा बोला नहीं नहीं करो करो तुम बहुत अच्छा करते हो करो कोशिश करो। तो मैंने 2-3 रोज बाद उनको एक तर्ज सुना दी। तो तर्ज उनको बहुत पसंद आई। चलो चलो स्टूडियो बुक करते हैं पूरा एल्बम करते हैं करते रहो मुझे सुनाते जाओ। तो फिर बस ऐसे ही करते करते लगभग 6-8 महीने लगे रिकॉर्ड करने में 8 गजलें और फॉरगेट मी नॉट के नाम से टी सीरीज के लेबल पे रिलीज हुआ एंड इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट सेलर्स ऑफ जगजीत जी गजल्स। दे सोल्ड नियरली अबाउट 30 लाख कॉपीज ऑफ सीडीज एंड कैसेट्स। उस एल्बम से कोई पसंदीदा गजल हो जाए आपकी। तुम हमारे नदी तुम हमारे नदी तो क्या हम हैं तुम हमारे नहीं तो क्या हम हैं हम तुम्हारे तो हैं ये क्या कम है तुम हमारे नहीं तो क्या हम हैं हम तुम्हारे तो ये क्या कम है मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए मुस्कुरा दो जरा खुदा के लिए शम्मे महफिल में
रोशनी कम है, तुम हमारे नहीं तो क्या हम है, हम तुम्हारे नहीं तो ये क्या कम है। ये गजल बहुत आज तो फॉर्म बना दिया आपने पूरे देश की इस कोविड काल में सबके चेहरों पे मुस्कान आ गई होगी और अंदर तक शांति। बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपका प्यार है, बहुत बहुत शुक्रिया भी और दिल से गाया हुआ जो एकदम अंदर तक उतरता है ऐसा, बहुत रूह से रूह का एक क्या आर्ट है। अच्छा हाँ, आपने एक जिक्र किया था सूफी म्यूजिक का और वो जो आपके सिंधी जबान में जो सूफियाना कलाम है, और मैं एक बार निदा साहब के साथ बैठा था, मेरे लिए गजल यानी कि वो जो उर्दू है, उन्होंने मुझे बताया कि गजल उर्दू ही नहीं है, गजल गुजराती भी है, गजल सिंधी भी है, गजल पंजाबी भी है, गजल और तो गजल गजल के अलग अलग वो है। तो कुछ उसमें से सुनाइए आप हमें, कुछ ऐसे श्रोता जो, क्योंकि आप आपके चाहने वाले बहुत सारे लोग उस में भी हैं, सिंधी जबान में सुनना चाहेंगे आपको और हम उसको महसूस करना चाहेंगे। जी जी, एक वैसे सिंधी में इतनी खूबसूरत गजलें कही गई हैं, कम से कम नहीं नहीं करके 20-25 बहुत अच्छे शायर हैं, और उसमें नारायण श्याम साहब है, ये तो मैं आपको इंडिया की बात कर रहा हूँ, सिंध में तो बहुत सारे शायर हैं, बड़े आला कहने वाले शायर हैं, और यहाँ हिंदुस्तान में कुछ नाम मैं आपको गिनवाऊँ तो अर्जन हासिद साहब है, या प्रभु वफा साहब है, या वाजदे निर्मल साहब है, या नारायण श्याम साहब है, या वाजदे मोही साहब है, इन दिनों जदीद गजलें बहुत कहते हैं, श्रीकांत सदफ साहब है, बहुत यंग है, वो भी बहुत अच्छा कह रहे हैं, और बहुत सारे शायर हैं, ढोलन राही है जो बड़े अच्छे गीतकार भी हैं और गाते भी हैं, तो जो जैसे वैसे जो गजल का जो फॉर्मेट है, जो मीटर है, जो रदीफ काफिया है, वैसे ही बहुत खूबसूरती से निभाते हैं। और एक मैं आपको दाग साहब के अंदाज की गजल सिंधी में वाजदे निर्मल साहब ने लिखी थी, तो वो थी कि भाई दुख दर्द तमन्नाओं अरमान हजारे, दुख दर्द तमन्नाओं अरमान हजारे, एक दिल में रहन किया था मेहमान हजारे। क्या क्या एक दिल में, आप समझ गए होंगे, दुख दर्द तमन्नाओं है अरमान हजारे, अरमान तमन्ना दुख दर्द ये तो हजारे हैं, एक दिल में रहन किया था, ये कैसे रहते हैं एक दिल में, इतने मेहमान, हजारों मेहमान एक दिल में कैसे रहते जी। और इन्होंने एक इस्तेमाल किया जहां पे उन्होंने खुदा को बेचा रखा है, कभी कोई इस्तेमाल हुआ नहीं लेकिन सिंधी में हुआ है, कहते हैं जैसी दे मुंह हिक खे बे उसने थोते सी, जब तक मैं एक का सामना करूं उसको उसका सामना करूं तब तक दूसरा खड़ा हो जाता है, जैसी दे मुंह हिक खे बे उसने थोते सी, बेचारो खुदा हिकड़ो, यानी खुदा को बेचा रखा है, बेचारो खुदा हिकड़ो ए शैतान हजारे। क्या बात है, खूबसूरत गजलें हैं सिंधी में भी, और मैंने कोशिश की है कुछ रिकॉर्ड करने की, और एक मैं आपको, हमारे सिंध में साईं कंवर राम साहब हैं तो उनके दो तीन चीजें बहुत ही प्रचलित हैं, जहां सिंधी होते हैं वो गाते हैं सुनते हैं, और बड़ा खूबसूरत अंदाज था उनका, ये प्रार्थना है ऊपर वाले से कि भाई हमको इस तकलीफ से हमें दूर करो, और बड़ा खूबसूरत लिखा हुआ कलाम है
साईं कवराम का, साईं कवराम साहब का ही है, उन्हीं का गाया हुआ है। वो कहते हैं कि भाषा अगर समझ में ना भी आए, लेकिन जो जिस अंदाज में आपने गाया कि वो कहीं ना कहीं जो फीलिंग्स है ना, वो अपने आप में एक मुझे क्या लगता है कि वक्त बहुत तेजी से बीत रहा है, लेकिन मन में ऐसा रह रहा है कि हम कितना आगे बात करते जाएं करते जाएं करते जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं तो उसको विराम देना पड़ेगा, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा ताकि अगली बार एक बार फिर मिल सके। लेकिन सर मैं एक चीज आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक 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 जो जिंदगी में, जो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस काल में लोगों के मन में बहुत सारी चीजें हैं, जो बहुत सारे दुख हैं, दर्द हैं, लेकिन मैं आप ही का एक प्रोग्राम में कुछ ऐसा सुन रहा था कि जहां से एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि जिंदगी में आज का वक्त है, गुजर जाएगा, जो अच्छा नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, आप अपनी अपने अंदाज में कैसे इसको कहना चाहेंगे? और आपने अगर ऐसी कोई गजल गाई है तो एक बार अगर वो सुनाए, उसी नोट पे फिर हम आज की महफिल को विराम देंगे। जी, एक गजल मेरी नजर में आई है, बड़ी खूबसूरत गजल है, जनाब कैसरुल जाफरी साहब की गजल है जी। के शेर बड़े खूबसूरत हैं और इतना ऑप्टिमिज्म है उनकी शायरी में। रोज नई सांची ढलती रहती है, रोज नए सांचे में ढलती रहती है। दुनिया क्या क्या रंग बदलती रहती है, रोज नए सांचे ढलती रहती है। दुनिया क्या क्या
रंग बदलती रहती है। ये हम कलाकारों के लिए बड़ा शेर खरा उतरता है। हम भी एक उम्मीद लगाए फिरते हैं, हम भी एक उम्मीद लगाए फिरते हैं, सुनते हैं तकदीर बदलती रहती है, दुनिया क्या क्या रंग बदलती रहती है, सचेनी ढलती रहती है, दुनिया क्या क्या रंग बदलती रहती है। बड़ा खूबसूरत शेर है आज के माहौल पे है। सूरज पर छा जाए बादल कितने भी, सूरज पर छा जाए बादल कितने भी, सूरज पर छा जाए बादल कितने भी, हल्की 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 धूप निकलती रहती है, दुनिया क्या क्या रंग बदलती रहती है, हल्की हल्की धूप निकलती रहती है, दुनिया क्या क्या रंग बदलती रहती है। बहुत खूब, बहुत खूब। वैसे मेरे ख्याल से इस वक्त को, वक्त गुजरता है, गुजर जाएगा, और सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ने हम सबको हमारे फैमिलीज की अहमियत बताई, हमारे दोस्तों यारों की अहमियत बताई, और जो हमारे कोविड वॉरियर्स हैं जो सबकी हिफाजत कर रहे हैं, हमारी सरकार है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, और मेरे ख्याल से हमें हौसला छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एवरी डे एवरी नाइट हैज अ वेरी गुड डॉन आल्सो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, यू नो, एंड घर वालों का साथ बहुत जरूरी होता है। आई एम वेरी लकी, आई हैव अ वेरी ब्यूटीफुल फैमिली हु हैव ऑलवेज बीन विद मी, तो मेरे को तो कोई टेंशन नहीं है, मैं तो मस्त हूँ। नहीं, और ये आपके व्यक्तित्व में झलकता भी है, और मुझे लगा कि जब हमने आपसे कहा कि एक शाम आप हमारे साथ करिए, और आपने खुशी से इसको स्वीकारा कि एक ऐसे कॉज के लिए जुड़ते हैं, और मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन, लेकिन आज जमाना और चीजें बदल गई हैं, अब हम ढूंढते हैं कि कब यारों की महफिल सजे, कब दोस्तों से मिले, किसी से लड़े, किसी से भिड़े, क्योंकि लॉकडाउन ने घरों में समेट दिया है, तो परिवार के निकट आए हैं, ये एक अच्छी बात नहीं है, अपने घर परिवार को जाना है, लेकिन कुछ अभी कुछ खो सा गया है। चाहता हूँ कि अभी आज आपको वर्चुअल सुन रहे हैं, तो जल्दी कोई एक ऐसी महफिल हो जिसमें आपके साथ रूबरू बैठे हो, फिर ऑडियंस हो, महफिल हो, लोग हो, तालियां हो, आपकी आवाज हो, गाने हो, गजलें हो, ऐसा दिन जल्दी आए, ऐसी कल्पना। बिल्कुल आएगा जी, जरूर आएगा, ऊपर वाला बड़ा कारसाज है, और बस आप सब हमें दुआओं में रखिए अपने, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। अतुल जी को आभार कि उन्होंने आज ऐसी खूबसूरत ऐसे शाम बना दी, और
ये तो एक शाम नहीं है, जिंदगी भर के लिए खुशी का खजाना रह गया अपन में, नहीं, बिल्कुल मैं खुशकिस्मत और हूँ। उनके लिए और भी। और अतुल जी इतने छोटे मोटे चीज नहीं, ये पक्के कलाकार है, एक्टर भी बिल्कुल है, राइटर भी है, डायरेक्टर भी है, सब कुछ है ये, और प्रोग्राम्स भी बिल्कुल ऐसे से करते हैं बिल्कुल मास्टर्स के साथ में, कुछ मास्टर्स ने काम। चलिए, ये सब सब ये कहते हैं ना, जीवन में कुछ अच्छे कर्म किए होते हैं, पिछले कर्म में कि आप जैसे लोगों का साथ मिलता है, और मैं फॉर्चुनेट रहा, घनश्याम जी से भी इतने साल पहले परिचय हुआ, उनके साथ काम करने का सौभाग्य भी मिला, निदा साहब, जगजीत सिंह जी, मैं कह सकता हूँ कि मैंने इनके साथ काम किया, इन्हें देखा, तो मेरे लिए भी खुशकिस्मती है। तो आज की महफिल को बस यहीं रोकते हैं। घनश्याम जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत आभार। गीता जी, आपका भी आभार जुड़ने के लिए। आभार, आपका बहुत अच्छा लगा। अतुल जी, गीता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी, आपके सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मेरा नमस्कार। जी, शुक्रिया, नमस्कार। तो आज की दिल ढूंढता है मैं बस यहीं तक हम अपना सफर रखते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए फनकार के साथ, किसी नए कलाकार के साथ। तब तक सकारात्मक रहिए, जैसे घनश्याम जी ने भी कहा कि जिंदगी में ये वक्त जो है, सूरज पर बादल आते हैं, छाते हैं, लेकिन फिर भी धूप निकलती रहती है। इसी नोट पे हम इसको खत्म करते हैं। नमस्कार। अलविदा।